Now we have question number 9. If AM denotes the mth term of an AP, then AM equal to. देखो हमें गिवन है कि जो जो ये AM है वो mth term denote करता है AP का, तो देन हमें बताना है कि AM equal to इनमें से क्या होगा. ठीक है, सो देखो AM equal to गिवन है हमें mth term of an AP. मान लेते हैं कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू एंड कॉमन डिफरेंस d है. ठीक है, सो ये आ जाएगा अपने पास am इक्वल टू आ जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी. नाउ देखो अगर हम निकाल लें m प्लस k टर्म, ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा a प्लस एम प्लस k माइनस वन इंटू डी. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम निकालेंगे एम माइनस के टर्म, ठीक है, सो ये आ जाएगा ए प्लस एम माइनस के माइनस वन इंटू डी. ठीक है, सो नाउ टेक इट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. सो इन दोनों को ऐड किया, सो ये आ जाएगा ए एम प्लस के माइनस ए एम माइनस के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू ए. ठीक है, प्लस देखो ऐड करेंगे सो डी कॉमन आ जाएगा, सो हो जाएगा डी एंड ब्रैकेट में आ जाएगा एम प्लस के माइनस वन प्लस एम माइनस के माइनस वन. ठीक है, तो देखो माइनस के से प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम प्लस के माइनस ए एम माइनस के इज इक्वल टू टू ए प्लस डी इंटू एम प्लस एम हो जाएगा टू एम. ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू, सो यहां से टू कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस के माइनस ए एम माइनस के इज इक्वल टू टू ए प्लस एम माइनस वन. यहां से टू कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एम माइनस वन इंटू टू डी. ठीक है, या यहाँ पे टू लिख लेते हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, सो टू को कॉमन लिया और यहाँ पे भेज दिया. ठीक है, सो ये आ जाएगा ए एम प्लस के माइनस ए एम माइनस के. अब देखो यहाँ पे टू को इधर ले जाएंगे सो डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी एंड इट इज एम्थ टर्म, तो आ जाएगा ए एम. तो यहां से अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट.